नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको नींबू का रस निकाल कर महीनों तक खराब ना होने का तरीका बताऊंगी, नींबू का शरबत भी बनाने का तरीका बताऊंगी। आप इसे साल भर स्टोर कर सकते हैं। नींबू का शरबत बनाने के लिए मैंने आपको किन किन सामानों की जरूरत होती है, इसमें हमें नींबू चाहिए 1 किलो और 1 किलो हमें चीनी चाहिए। गर्मियाँ आने वाली है, नींबू महंगे हो जाते हैं। नींबू को स्टोर करने के लिए हम नींबू का रस भी स्टोर कर सकते हैं। ये भी आज मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बताऊंगी कि नींबू को के रस को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। आइए दोनों तरीके बताती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ 2 किलो नींबू लिए, इन्हें अच्छी तरह से साफ पानी में धोकर एक सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेना है। और नींबू लेते समय आपको पतले छिलके के नींबू लेने, इनमें नींबू का रस ज़्यादा रहता है। आपको इन बातों का जरूर ध्यान में रखना है और देखना है कि इस तरह से आप दबा के देखेंगे तो आपको नींबू का रस ज़्यादा दिखेगा। अगर मेरे पास एक दो ये भी है, इनमें हम दबाते हैं तो नींबू का रस इसमें कम होता है, तो आप इस तरह का नींबू नहीं लीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह का लीजिएगा, तो आपको इस तरह से दबाएंगे तो आपको लगेगा हाँ इनमें नींबू का रस है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन्हें अच्छी तरह से सूती कपड़े से पोंछ लेना है और एक नींबू के 2 टुकड़े कर लेने हैं। और इस तरह से करके अभी मैं सारा रस एक साथ निकाल लूंगी। यहाँ मैंने एक बर्तन और ले लिया है इस तरह से, और एक नींबू निकालने के लिए, यहाँ नींबू निकालने के लिए मैंने यह एक मशीन ली है, ये आप सबके घर में होती है। इस तरह से हमें नींबू को रस निकाल देना है। आप देख रहे हैं नींबू का रस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से मैं सारे नींबू का रस निकालती जाऊंगी और एक्स्ट्रा जो हमारे ये नींबू है, इन नींबू के छिलकों को भी फेंको। मैंने यहाँ पे सारा रस निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़े से बीज भी है, थोड़ा गुदा भी है, इस तरह से हमें इसको छान लेना है। यहाँ मैंने एक दूसरा बाउल रखा है और उसमें एक छनी रखी है। इस तरह से करके हमें इसे छान लेना है। जब भी हमें रस को स्टोर करना है तो इसके बीज और गूदे को नहीं स्टोर करना है। आप चाहे तो इनके बीज को आप गमले में उगा सकते हैं। जो ताजे ताजे पौधे आते हैं उसके पत्तों को नींबू का रस जब शरबत बनाते हैं आप उसमें डाल के सर्व कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू वाला। यहाँ मैंने नींबू को सारा, आप देख सकते हैं, रस को छान लिया है। इससे ये बीज और गुदा बचा है। मैं पहला तरीका बता रही हूँ हम नींबू का रस कैसे रखेंगे। आप टप्पेवेयर का गिलास या कोई अच्छी क्वालिटी का हो तो उसमें आप रख सकते हैं। इसमें हमें फुल नहीं भरना है, इतना खाली रखना है भरते वक्त। दोस्तों मेरे यहाँ हल्दी के हाथ हो रहे हैं क्योंकि मैंने आज हल्दी घिसी है थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही इसको भरना है, ज़्यादा फुल नहीं भरना है। क्योंकि हम फ्रिज में रखते हैं तो इसके गैस बनती है और ये थोड़ा सा हमारा खुलने का डर रहता है। कांच की बोतल हो तो भी आप कांच की बोतल कभी भी फ्रिज में नहीं रखिएगा। कांच की बोतल में रखना है तो दरवाजे पे रखिएगा। तो मैं इस तरह से इसमें स्टोर कर रही हूँ, थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा इस तरह से हमें भर देना है। दोस्तों मेरे यहाँ नींबू जो लाई थी उसमें रस थोड़ा कम निकला है, उसमें से 5-6 नींबू मैंने बचा भी लिए हैं। ये आप रस फ्रीजर में रख देंगे, आपका ये रस पूरे साल भी खराब नहीं होगा। पहले तरीके में मैंने आपको बताया है कि आप प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हैं, जैसे ये टप्पेवेयर का गिलास है इसमें भी आप रख सकते हैं, नींबू खराब नहीं होगा। और यह आप ऐसे कांच का जार लीजिएगा, इसमें भी रख सकते हैं। तो मैं एक कांच के जार में रख रही हूँ थोड़ा सा रस, इससे हमें भर देना है। और जार हमेशा सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो नींबू का रस हमारा ख़राब हो जाएगा। इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं भरना है। आप देख सकते हैं मैंने इतना खाली छोड़ दिया है। अब इसे मैं ढक्कन लगा कर इसको पैक करके रख देना है। अब इसे आप फ्रीजर में रख सकते हैं, ये मैं फ्रीजर के दरवाजे पे रखूंगी दोस्तों। फ्रीजर में जहाँ बर्फ जमाई जाती है वहां नहीं रखूंगी। ये आपका बिल्कुल जम जाएगा और बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका 6 महीने से भी खराब नहीं होगा। और दूसरा तरीका यहाँ है, आपको कोई सी भी कांच की बोतल मिल जाए, जो भी आप करें कांच की बोतल में ही रखिएगा। अब इसमें मैं यहाँ तक के जार में चीनी भर दूंगी जितनी आएगी, और इतने में हमें नींबू का रस भरना है। यहाँ मैंने अभी 500 ग्राम चीनी ली है दोस्तों, ये 500 ग्राम चीनी हमें इसमें डाल देना है। थोड़े बड़े मुंह का जार होता है तो चीनी डालने में दिक्कत नहीं आती दोस्तों, छोटे मुंह का होगा तो आपको चीनी भरने में भी दिक्कत आएगी।
और नींबू का रस डालने में भी दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से थोड़ा जार बड़ा वाला मुंह का ले सकते हैं, क्योंकि आप शरबत तो किसी में भी बना के रख सकते हैं, बस जब भी यूज करें थोड़ा सा आप अलग रख लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें मैंने 500 ग्राम भरी है चीनी अभी, और ये सारा मैं जो नींबू का रस बचा है इसमें डाल दूंगी। नींबू का रस एक गिलास की सहायता से हम डाल सकते हैं इस तरह से। नींबू का रस मैंने इतना भर दिया है, इसमें 200 ग्राम चीनी और डाल दे रही हूँ। इसमें मैंने 700 ग्राम टोटल चीनी डाल दी है दोस्तों। नींबू निकलने के बाद रस बहुत थोड़ा निकलता है दोस्तों, 1 किलो में सिर्फ 500 ग्राम से करीब ही निकलता है। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम रस डाला है, तो 700 ग्राम चीनी डाली है। अगर आप मीठा ज़्यादा तेज खाना चाहते हैं तो इसमें और भी चीनी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले सिल्वर कागज़ लगा दिया, क्योंकि प्लास्टिक से हमारा टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो शरबत हमारा जल्दी ख़राब होने का होता है। जैसे हम बाजार में होते हैं तो उसमें एक कागज़ लगा रहता है, और एक्स्ट्रा कागज़ को हमें निकाल देना है दोस्तों इस तरह से। ये अच्छा नहीं लगता लगा हुआ, ये आप देख सकते हैं सिल्वर कागज़ मैंने निकाल दिया। आप इस तरह से हिलाएंगे तो आपका धीरे धीरे शरबत का जो चीनी है ये घुल जाएगी, या आप इसे गर्म पानी में रख सकते हैं। गर्म पानी में रखकर आप इसे इस तरह से घुमाते रहिएगा 2-4 बार इस तरह से, तो ये चीनी घुल जाएगी। मैं आपको वो गर्म पानी का तरीका भी बता रही हूँ दोस्तों। आपने देखा ये 5-10 मिनट में इसमें मैंने हल्की निवाए पानी में रख दिया था, इसको हिलाती रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे चाशनी इस तरह से मैंने इसको हिलाती रही, तो ये चाशनी पूरी घुल चुकी है और आपको वीडियो में अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये हमारा शरबत तैयार हो चुका है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है, चीनी आप डालें पिसी डालें। मैंने बहुत बारीक चीनी डाली थी तो वो इसलिए जल्दी घुल गई, और आप पीस के डालेंगे तो चीनी घुल जाएगी। और चीनी घुलने के बाद इसे 4-5 दिन धूप में रख देना है। धूप में रखने से ये चाशनी हमारी अच्छी तरह से पक जाती है, तो इसे आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं बाहर रख कर भी। अगर आपका ख़राब हो रहा तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं फ्रीजर में इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। शरबत को आपको समय सबको पता है ये फ्रिज में ही रखा जाता है। और जो ये मैंने आपको बताया था नींबू का रस जो मैंने निकाला था, इसको आप फ्रीजर में रख सकते हैं। वो भी आपको फ्रीजर बर्फ़ वाली जगह नहीं रखना है, प्लास्टिक में टप्पेवेयर के गिलास में रख रहे हैं तो रख सकते हैं, और नहीं तो दरवाजे के साइड में रखिएगा, ये अपने आप से जम जाता है। जमने के बाद ये बहुत अच्छा बनता है, और जब भी यूज करना हो 1-2 चम्मच के हिसाब से आप नींबू ले सकते हैं, और फिर इसमें आप शरबत बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।